नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए शुरू करते हैं आज के कुछ खास वर्ड्स मीनिंग, ठीक है दोस्तों, जो हेल्प करेंगे आपकी वोकैब को बढ़ाने में भी और आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश पोर्शन को सोल्व करने में भी। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट मैनीफोल्ड, द फर्स्ट वर्ड इज मैनीफोल्ड। इट इज़ एन एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ए वर्ब एंड द मीनिंग ऑफ मैनीफोल्ड इज अनेक। जो मैनीफोल्ड का मीनिंग होता है वह होता है अनेक, एक से बहुत ज़्यादा। सिनोनिम्स, इसके पर्यायवाची क्या होते हैं, वो होते हैं नुमेरस, बहुत सारे, मल्टीपल, कई गुना। एंटोनिम क्या होगा, जब कहीं बहुत सारे हैं तो उसका एंटोनिम क्या होगा कि कोई एक एक वस्तु। एग्जांपल देखते हैं, द इम्प्लीकेशंस ऑफ द डिसीजन वर मैनीफोल्ड, कि जो ये डिसीजन आपने लिया है, जो निर्णय आपने किया है, इसके अनेक क्या हैं, इसकी अनेक इम्प्लीकेशंस हैं, इसके अनेक नेतार्थ हैं, इसके अनेक उलझाव हैं। इन शॉर्ट आप कह सकते हो जो आप निर्णय ले रहे हैं इसमें बहुत सारे समस्याएं हैं। आइए नेक्स्ट, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब विवाद होता है, झगड़ा। जैसे कि आजकल आप लोग अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि नेपाल और इंडिया के बीच में विवाद है, चाइना और इंडिया के बीच में विवाद चल रहा है, चाइना और यूएस के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। तो डिस्प्यूट एक नाउन फॉर्म है, इसका जो सिनोनिम है वह डिस्कशन और डिस्प्यूटेशन है। क्या है, डिस्कशन और डिस्प्यूटेशन। एंटोनिम, इसका विलोम शब्द क्या है, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब दोनों में सामंजस्य हो गया, दोनों ने कुछ चीज़ स्वीकार कर ली, दोनों ने कुछ चीज़ों को स्वीकार कर लिया। एग्जाम्पल सेंटेंस, अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट, एक क्षेत्रीय जो विवाद था, वाज हेल्ड बिटवीन टू कंट्रीज, दो देशों के बीच में एक क्षेत्रीय विवाद चल रहा है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि नाउ में डेज अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट हेल्ड्स बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, और वह विवाद क्या है, वह है काला पानी, जो जगह है उसके ऊपर विवाद चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट। थ्री मोरेटोरियम। मोरेटोरियम भी एक नाउन फॉर्म है जिसका मतलब है रोक, रोक। एम्बार्गो, एम्बार्गो भी इसका सिनोनिम है। सिनोनिम बैन, कुछ चीज़ को बंद कर देना, किसी पे रोक लगा देना। प्रोहिबिशन, प्रतिबंधित कर देना। एंटोनिम रिन्यूअल, उसको दोबारा शुरू कर देना। एग्जाम्पल क्या है, ए मोरेटोरियम वाज डिसाइडेड ऑन द यूज़ ऑफ ड्रिफ्ट नेट्स, जो जाल आप पानी में डालते हैं बहाव के लिए, वह जाल पर रोक लगा दी गई है, वह जाल पर रोक लगा दी गई है। क्यों, क्योंकि उससे काफ़ी नुकसान होता था मछलियों का या एक्वेटिक एनिमल्स का, उसमें फंसकर वो अपना जीवन खराब कर लेते थे। आइए दोस्तों नेक्स्ट, प्रोमलगेट। क्या दोस्तों, प्रोमलगेट यह भी एक वर्ब है, इसका मतलब होता है घोषणा करना। क्या होता है दोस्तों, घोषणा करना मतलब पब्लिकली अनाउंस करना, पब्लिसाइज कर देना। सिनोनिम क्या है इसके, स्प्रेड। कम्युनिकेट मतलब फैलना, कुछ चीज़ों का संचार कर देना। एंटोनिम, इसका अपोजिट कंसील, उसको छुपा के रखना। एग्जाम्पल, दीज ऑब्जेक्टिव्स हैव टू बी प्रोमलगेटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये जो सारे उद्देश्य हैं इन उद्देश्यों को घोषित कर देना चाहिए, ये इन उद्देश्य की घोषणा कर देनी चाहिए इस संगठन के अंदर, इस संगठन के अंतर्गत हमें इसके उद्देश्यों की घोषणा कर देनी चाहिए। आइए नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, डाइवर्स। डाइवर्स आप लोग समझते हैं कि डाइवर्स का मतलब होता है विविध, अनेक अनेक प्रकार के, भांति भांति प्रकार के। एडजेक्टिव होता है दोस्तों डाइवर्स, और इसका सिनोनिम वेरियस होता है। सिनोनिम मैनी या सन्ड्री, मैनी या सन्ड्री। एंटोनिम विलोम शब्द सिमिलर, मतलब एक जैसे, सिमिलर इसका एंटोनिम होता है। एग्जांपल, इंडिया हैज़ ए ह्यूज कल्चरली डाइवर्स पॉपुलेशन, भारत में सांस्कृतिक विविधताएं हैं जनसंख्या में, या भारत में संस्कृति के बिहाव पर, संस्कृति को लेकर
बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती हैं जनसंख्या में। आइए नेक्स्ट, एम्बार्क। क्या दोस्तों? एम्बार्क, एम्बार्क होता है कुछ शुरू करना, एम्बार्क होता है कुछ बिगिन करना, दैट यू आर गोइंग टू बिगिन समथिंग लाइक अ कैरियर और ए वर्क और बिजनेस। सिनोनिम्स, पर्यायवाची, स्टार्ट या कमेंस, कुछ नया शुरू कर देना। विलोम शब्द क्या होगा? एक तरफ शुरू करना तो दूसरी तरफ उसका अंत करना। एग्जाम्पल, सी एम्बार्क्ड ऑन ए न्यू कैरियर, वह नया कैरियर शुरू करने जा रहा है, वह नया कैरियर शुरू कर रहा है। सेवन, मैसिव। मैसिव है एडजेक्टिव फॉर्म, मैसिव एडजेक्टिव फॉर्म, जिसका मतलब है विशाल, जिसका मतलब है विशाल, ह्यूज, बहुत बड़ा। सिनोनिम्स क्या हैं? इनोर्मस, गिगांटिक। इसके पर्यायवाची क्या हैं मैसिव के? इनोर्मस, गिगांटिक। एंटोनिम क्या है? टिनी, बहुत छोटा। एंटोनिम क्या है? टिनी, बहुत छोटा। एग्जाम्पल, आई सॉ ए मैसिव रैम्पार्ट ऑफ स्टोन, मैंने एक बहुत बड़ा पत्थरों का रैम्पार्ट देखा, पत्थरों का प्रसार देखा। क्या देखा? पत्थरों का प्रसार देखा। आइए एट, अंडरकोर। अंडरस्कोर क्या है? अंडरस्कोर, अंडरस्कोर का मतलब होता है दोस्तों, ये एक वर्ब है और इसका मतलब किसी चीज़ पर बल देना होता है, किसी चीज़ पर जोर देना होता है, किसी चीज़ को बताना होता है। हाईलाइट, हाईलाइट करना। सिनोनिम, अंडरलाइन और प्ले अप करना। इसका विलोम शब्द क्या होगा? प्ले डाउन करना। एग्जाम्पल क्या है सेंटेंस का? द रिपोर्ट अंडर स्कोर द इशूज, कि जो यह रिपोर्ट है, यह जो आपकी रिपोर्ट है, ये बहुत सारे मुद्दों को हाईलाइट करती है, बहुत सारे मुद्दों पर बल देती है, यह बहुत सारे मुद्दों पर बल देती है। आइए नंबर नाइन, सुकुम्ब। क्या है सुकुम्ब? यह एक वर्ब की फॉर्म है जिसका मतलब है झुक जाना, वर्ब की फॉर्म है जिसका मतलब है झुक जाना, जिसको इंग्लिश में इल्ड कहते हैं, इल्डिंग। सिनोनिम्स, गिव इन या गिव वे, गिव इन या गिव वे। एंटोनिम क्या होता है? रेजिस्ट। एंटोनिम क्या होता है? रेजिस्ट। एग्जाम्पल, वी कैन नॉट मेयरली गिव अप, हम सिर्फ त्याग ही नहीं कर सकते, एंड सुकुम टू डिस्पेयर, हम निराशा के सामने झुक भी सकते हैं, निराशा के सामने झुक भी सकते हैं। नंबर टेन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। तो दोस्तों, हाइक, हाइक एक वर्ब की फॉर्म है, हाइक एक वर्ब है जिसका मतलब वृद्धि होना, कुछ चीज़ बढ़ाना, जैसे कि रेट बढ़ा देते हैं या सैलरी बढ़ा देते हैं, इसका मतलब इंक्रीज, बढ़ाना। सिनोनिम्स क्या हैं? इसके पर्यायवाची क्या हैं? रेज अप, ऊपर उठाना, पुट अप, ज़्यादा करना। एंटोनिम्स क्या हैं? लोअर, कम कर देना। सेंटेंस, द गवर्नमेंट हाइक्ड अप द प्राइस ऑफ मिल्क बाय 40%, सरकार ने दूध के दाम या दूध का भाव 40% तक बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं और आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो कृपया जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सीखते रहिए नए नए वर्ड्स। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।